नोएडा के सेक्टर 104 से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनी टाइम फिटनेस जिम के बाहर फायरिंग हुई और एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए हैं। ये इस वक्त की खबर है जो नोएडा की है, जहां पर एक जिम के बाहर एक शख्स को गोली मारकर उसकी जान ले ली गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास। दिल्ली से जुड़े नोएडा में आज दिन दहाड़े एक मर्डर हुआ है। मैं नोएडा के सेक्टर 104 में हाजीपुर मार्केट में हूं और यहां पर ये एक जिम है। तो एक सूरजभान नाम का एक शख्स दोपहर में करीब 2:15 बजे यहां से जिम करके निकल रहा था, और बताया जा रहा है कि जिम करने के बाद में जब वो नीचे आया और उसने जूस पिया यहाँ पर, उसके बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, उसके ऊपर कुछ बाइक सवार लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये देखिए, यहाँ पर जो है उस शख्स ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, अब तो गाड़ी ले गए हैं, बॉडी भी ले गए हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया। जब वो शख्स सूरज भान नाम का शख्स, जो कि जहाँ पर ये जिम है इसके ठीक सड़क के दूसरी तरफ सेक्टर 100 है, वहाँ की एक सोसाइटी में वो शख्स रहा करता था, और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो सूरज भान नाम का जो शख्स है वो एयर इंडिया में क्रू मेंबर था, जिसकी हत्या हुई है। और अब पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है, लेकिन दिन दहाड़े इस एक बहुत पॉश मार्केट ये माना जाता है, बहुत नामी मार्केट है सेक्टर 104 का, जहां पर ये घटना हुई है। तो नोएडा में इस तरह की जब घटना होती है तो बहुत से सवाल जो हैं वो उठते हैं कि इस तरह के इलाके में ऐसे दिन दहाड़े इस तरह की घटना को कोई कैसे अंजाम दे सकता है। नोएडा सेक्टर 104 से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार हुए हैं। एक जिम के बाहर की ये घटना है, जहां पर एक शख्स को गोली मारकर उसकी जान ले ली गई, और जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 104 का ये मामला है, और एक जिम के बाहर ये